मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, आप सभी को रिपब्लिक डे 2018 की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो एक्चुअली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम लोग टेबल बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में टेबल बना के उसको हम लोग फील कर सकते हैं अपने डेटा के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे विजुअल फॉक्स प्रो ओपन कर लिया है। आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूर आप लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो को ओपन कर लीजिए। पहला काम यहाँ पे ये है कि तो फ्रेंड्स, आपको एक टेबल क्रिएट करना होगा जिसके लिए आपको कमांड ये लिखना होगा, क्रिएट स्पेस टेबल का नाम, जिस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट स्पेस, सपोज़ मैं CTI नाम से एक टेबल बनाना चाहता हूँ तो CTI लिख के एंटर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, CTI मेरा पहले से बना हुआ तो मैं यहाँ पे CTI II कर देता हूँ, ठीक है, फिर एंटर। अब देखिए टेबल डिज़ाइनर यहाँ पे आ चुका है जहाँ पे मुझे टेबल को डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे सपोज़ लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ई नहीं ले रहा है क्योंकि ये टोटल कैरेक्टर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो ही लेगा, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ STD name, शॉर्ट में लिखता हूँ STD name। फिर टाइप में यहाँ पे कैरेक्टर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप स्टूडेंट नेम को कैरेक्टर में लिखेंगे तो इसमें कैरेक्टर छोड़ना पड़ेगा इसके लिए सॉरी। इसके बाद आपको विथ में 30 करना होगा या 50, कुछ भी आप, मतलब 30 या 50 करने का ये मतलब है फ्रेंड्स, आप स्टूडेंट का नाम जो लिखेंगे वो कितना कैरेक्टर में लिखना चाहते हैं आप, वो यहाँ पर आपको सेट करना होगा पहले। फिर आप चलिए नीचे आइए, फिर यहाँ पर मैं एड्रेस दे देता हूँ एड्रेस, फिर कैरेक्टर रहेगा, एड्रेस में भी मैं 30 कर देता हूँ। इसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर आपको नंबर में लिखना होगा तो N देना होगा, यहाँ पे N फॉर न्यूमेरिक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और नंबर कितना नंबर आप लिखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 3 नंबर लिखना चाहते हैं तो 3 लिखते हैं। इसके बाद क्लास, अब देखिए फ्रेंड्स, क्लास को आप अगर नंबर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिक रखिएगा, या अगर कैरेक्टर में लिखना चाहते हैं तो कैरेक्टर में लिखिएगा जो आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक कर देता हूँ, फिर टैब दूंगा। टैब देने के बाद यहाँ पे आप नॉर्मली कितना नंबर में लिखना चाहते, तो अगर 12 भी हुआ तो आप यहाँ पर 2 नंबर लिखना चाहते, 2 नंबर से आएगा तो 2 दे देता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे आइए, फिर मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स करता हूँ, इसको न्यूमेरिक करना होगा टोटल मार्क्स को, और यहाँ पे 3 दे देता हूँ। फिर एवरेज, एवरेज में भी न्यूमेरिक, और इसमें भी आप 3 मार्क्स दीजिए, 3 नंबर दीजिए विथ में। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड, ग्रेड होगा फ्रेंड कैरेक्टर क्योंकि ABC करके लिखना होगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे एक ये करेंसी हो गया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कैरेक्टर दिख रहा है तो कैरेक्टर लीजिए। फिर इसको जो 8 दिख रहा है इसको मैं अगर फेल भी लिखना होगा तो FAIL 4 होता है तो मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ। फिर आपको इसको सेव करना होगा, सेव करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके आप डेटा को अगर अभी इनपुट करना चाहते हैं, मतलब रिकॉर्ड अभी लिखना चाहते हैं तो Y में प्रेस कीजिए, या तो आपको बाद में लिखना मतलब लिखना है तो आप नो में क्लिक कीजिएगा। तो मैं येस करता हूँ क्योंकि मुझे अभी डेटा लिखना है। तो स्टूडेंट नेम, चलिए मैं स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी, राहुल दास, एड्रेस, रोल नंबर 1, क्लास 10, टोटल मार्क्स, एवरेज, कुछ भी दीजिए, ग्रेड A। फिर से नया स्टूडेंट नेम का नाम लिखना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे 3 स्टूडेंट का नाम लिख लिया हूँ, अब मुझे इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेव करने के लिए Ctrl+W प्रेस करके इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आपको इसको देखना है कि ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आपका डेटा जो है वो किस तरह से रिकॉर्ड हुआ है वो आपको देखना है। तो देखने के लिए आप यहाँ पे लिस्ट लिख सकते हैं, LIST लिस्ट,
तो लिस्ट लिख के अगर आप एंटर देते तो यहाँ पे देखिए सामने में दिखा रहा है, ये जो जगह आपको दिख रहा है इस जगह में आपको दिखाएगा कि जो डेटा आपने टाइप किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि ठीक से डेटा को दिखा नहीं रहा है ठीक से, ठीक है, थोड़ा मतलब उल्टा पुल्टा करके दिखा रहा है, तो सीरियल वाइज नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और एक तरह से हम लोग देख सकते हैं इस डेटा को। उसके लिए आपको लिखना होगा ब्राउज, BROWS, ब्राउज लिख के एंटर। अब देखिए यहाँ पे पूरा एक्सेल की तरह दिखा रहा है, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, रोल नंबर, क्लास, टोटल मार्क्स, एवरेज, ग्रेड, कितना कितना क्या क्या है वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग फॉक्स प्रो में टेबल को फिल करके उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पेज यहाँ पे हम लिस्ट के ज़रिए कुछ देखे हैं, इसको क्लियर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लियर, CLEAR, क्लियर लिख के एंटर दीजिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड दिखाते हैं कि किस तरह से आप लोग अगर माने कि तीन रिकॉर्ड आप आज लिखे हैं, इस तीन रिकॉर्ड आप लिखने के बाद आप फॉक्स प्रो को बंद कर देते तो नेक्स्ट दिन आप जब फिर से आप फॉक्स प्रो को ओपन करके नया रिकॉर्ड लिखना चाहेंगे तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे। तो पहले देखिए मैं ये फॉक्स प्रो को बंद कर देता हूँ। तो फॉक्स प्रो को बंद करने के लिए कमांड जो लिखना पड़ता है वो है कि QUIT, लिखने पे क्या होगा कि फॉक्स प्रो बंद हो जाएगा। मैं इसमें फिर से आपको फॉक्स प्रो ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलिए फॉक्स प्रो मैंने फिर से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे वही मेरा CTII टेबल, CTII नाम से जो टेबल था उसको मैं कैसे ओपन करूँगा और फिर से उसी वो तीन जो मेरा डेटा था उस तीन डेटा के बाद से आप कैसे फिर से टाइप करेंगे, तो उसको करने के लिए आपको देखिए पहले लिखना होगा यहाँ पे यूज़ स्पेस CTII फिर एंटर। तो आप थोड़ा नीचे में ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा है थ्री रिकॉर्ड 1/3, मतलब तीन रिकॉर्ड है एक टेबल में वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब मुझे अगर एक बार चेक करना होगा तो मैं ब्राउज लिख के चेक कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा है वही रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब मुझे उस रिकॉर्ड के नीचे और रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके लिए आपको कमांड जो लिखना पड़ेगा वो है अपेंड, APPEND, अपेंड लिख के एंटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं फिर पहले रिकॉर्ड टाइप किया था। तो चलिए एक रिकॉर्ड और इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद चलिए इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए फिर से आपको कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके W प्रेस करना होगा। तो अब देखिए ब्राउज करके फिर से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए निशा अधिकारी जो लास्ट मैंने लिखा अभी वो ऐड हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब अगर आपको कहा गया होगा कि आपको रिकॉर्ड देखना है, बस नाम नेम फील्ड को देखना है, आपको किसी और फील्ड को नहीं देखना है, बस नेम फील्ड को देखना है, तो आप क्या टाइप करेंगे, मतलब क्या आपका कमांड क्या लिखना होगा। तो आपको लिखना होगा ब्राउज, मतलब फ्रेंड्स क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, मुझे ये ब्राउज में अभी बस स्टूडेंट नेम को देखना है, इसके साथ ये एड्रेस, रोल नंबर, क्लास, टोटल मार्क्स इसको नहीं देखना है। ठीक है, मुझे बस स्टूडेंट नेम अगर देखना होगा तो मैं क्या करूँगा, तो आपको लिखना होगा ब्राउज स्पेस फील्ड स्पेस स्टूडेंट नेम, मतलब आपको स्टूडेंट नेम का देखना है तो स्टूडेंट नेम का जो आप फील्ड का नाम दिए थे ये स्टूडेंट नेम वही लिखना होगा आपको, फिर एंटर। अब देखिए मुझे बस स्टूडेंट नेम दिखाया जा रहा है और कुछ हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे क्योंकि जो कमेंट हम लोग यहाँ पे दिए हैं उसमें हम लोग बस उस कमेंट के ज़रिए बस एक ही फील्ड का डिटेल्स हम लोग देख पाएंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट नेम के साथ अगर कोई दूसरा फील्ड को अगर आपको देखना होगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको बस इसके साथ कॉमा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्रेड देख लेता हूँ कि ग्रेड कैसे देखना है, तो ग्रेड लिख के बस एंटर। अब देखिए स्टूडेंट नेम के साथ ग्रेड को दिखा रहा है ग्रेड, लेकिन मेरा एकदम लास्ट में है लेकिन ग्रेड का लाइन यहाँ पे दिखा रहा है फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग फॉक्स प्रो को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल था, फर्स्ट लेसन था मेरा फॉक्स प्रो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी फॉक्स प्रो का जो भी लेसन मेरे पास है वो मैं सभी इसमें वीडियो में अपलोड, मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा क्या करके। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सभी लेसन्स को देखते रहिएगा तो आप घर बैठे ही फॉक्स प्रो सीख जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।